हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मास्टर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग की पूरी प्रोसेस देखेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माचिस की तीलियां बनाने के लिए ऐसे लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है जिस पे अलग अलग केमिकल्स को लगाया जा सके और आसानी से सूख सके। इसमें आमतौर पर सफेद देवदार या फिर पेन की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, माचिस की तीलियां बनाने की पहली प्रोसेस है पीलिंग एंड चॉपिंग। इसमें सबसे पहले लकड़ियों को मशीन की मदद से छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाता है और पिलर मशीन की मदद से इन लकड़ियों को पतले पतले लेयर्स में छीला जाता है। अब इन छीले हुए सभी परतों को मैच कटिंग मशीन में लगाकर बारीक तीलियों के साइज में कटिंग किया जाता है। ये कटिंग मशीन एक मिनट में लगभग 10,000 से ज्यादा तीलियों को काटती है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में कटिंग किए गए सभी तीलियों को इकट्ठा किया जाता है और इन्हें क्लीनिंग करने के लिए स्प्लिन्स क्लीनिंग एंड सीइंग मशीन में डाला जाता है, जहां पर टूटे हुए और खराब तीलियों को अलग कर अच्छे तीलियों को इकट्ठा किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है स्पिलिंग ट्रीटमेंट क्लीनिंग एंड कार्बोनाइजिंग। दोस्तों, कार्बोनाइजेशन एक पाइरोलाइट प्रक्रिया है जिसमें कार्बन को छोड़ने के लिए ईंधन को बिना हवा में गर्म किया जाता है। तो तैयार सभी तीलियों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से कार्बोनाइजेशन मशीन में डाला जाता है। अब माचिस की तीलियों को ठोस बनाने के लिए तीलियों को मशीन की मदद से बिना हवा के गर्म किया जाता है और इकट्ठा किया जाता है। दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रोसेस में बारी आती है कटिंग और प्रिंटिंग की, जहाँ पर कार्डबोर्ड से मैच बॉक्स बनाए जाते हैं। शुरुआती स्टेज में कार्डबोर्ड शीट्स की कटिंग की जाती है और नेक्स्ट कटिंग शीट्स पर मैच बॉक्स की डिजाइन प्रिंट की जाती है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है लैमिनेशन की, जहां पर लैमिनेशन रोल से कार्डबोर्ड प्रिंटेड शीट्स पर लैमिनेशन किया जाता है। अब बारी आती है फ्रिक्शन एप्लीकेशन की, जिसमें ट्रे में डाले गए लिक्विड को माचिस बॉक्स के घर्षण वाली साइड पे लगाया जाता है, जहां से तीलियों को जलाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में पूरी तरह से तैयार कार्डबोर्ड प्रिंटेड शीट्स को मैच बॉक्स के साइज में काटा जाता है। और अब इन तैयार किए गए आउटर बॉक्स को कटिंग मशीन में लगाकर इन्हें बॉक्स का शेप दिया जाता है। अब बारी आती है इनर बॉक्स बनाने की। इस प्रोसेस में अलग से कार्डबोर्ड रोल को मशीन में लगाया जाता है और निर्धारित डिस्टेंस पर ब्रांडिंग प्रिंट की जाती है और आगे इनर बॉक्स को ऑटोमेटिकली शेप दिया जाता है। ये ऑटोमेटिक प्रिंटिंग एंड शेपिंग मशीन इतनी फास्ट होती है कि एक घंटे में 50,000 से भी ज्यादा मैच बॉक्स बना देती है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में बारी आती है तीलियों के सिरे पर लगने वाले और घर्षण से जलने वाले मिक्सचर को बनाने की, जिसको पैराफिन वैक्स कहा जाता है। मिक्सचर को बनाने के लिए सबसे पहले इस मिक्सचर में जेलेटिन कैप्सूल्स, फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड को डाला जाता है। अब आपको बता दे कि जेलेटिन का काम होता है मिक्सचर को तीलियों के सिरे पर चिपकाए रखना, वहीं पर फास्फोरस का काम आग जलाने के लिए और पोटेशियम क्लोराइड जलने के लिए लगने वाले ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। तो अब इन सभी मिक्सचर को एक साथ मिलाते समय इसमें गर्म पानी डाला जाता है ताकि इन सभी मिक्सचर को एक साथ घोला जा सके। इन मिक्सचर को 30 मिनट तक अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें रेड कलर को ऐड किया जाता है और इस तरह पैराफिन वैक्स को बनाया जाता है। अब बारी आती है केमिकल डिपिंग की। दोस्तों, माचिस की तीलियों का उत्पादन अलग अलग स्टेप में होता है। सबसे पहले कटिंग और क्लीनिंग किए गए तीलियों को मशीन में इकट्ठा किया जाता है, फिर मूविंग चेन में इन्हें एक समान रो के हिसाब से बिठाया जाता है और इन्हें बैचेस में इकट्ठा किया जाता है। फिर इन तीलियों की
शेपिंग की जाती है और इसके बाद इन तीलियों को अमोनियम फॉस्फोरस में डुबाया जाता है, जिससे माचिस की तीलियां फॉस्फोरस को सोख लेती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि माचिस की तीलियां मिक्सचर जलने की तुरंत बाद बुझ न जाए। अब नेक्स्ट प्रोसेस में इन तीलियों के ऊपरी सिरे को गर्म पैराफिन वैक्स के मिक्सचर में डुबाया जाता है। जब ये वैक्स तीलियों के सिरे से लग जाता है, तब इसके बाद वैक्स सूखने के लिए सभी तीलियों को रोलिंग चेन पर घुमाया जाता है। और जब ये वैक्स सूख जाता है, तब इन सभी तीलियों को आगे बंडलिंग जोन में पास किया जाता है। अब इन बंडलिंग जोन में तैयार तीलियों को हुपर चेन से निकालकर एक कंटेनर में डाला जाता है। इन कंटेनर में तीलियों को इकट्ठा कर सही क्वांटिटी में मैच बॉक्स के इनर डिब्बे में डाला जाता है। मैच बॉक्स का इनर डिब्बा और बॉक्स का आउटर सेल दोनों ही समांतर लेकिन अलग अलग कन्वेयर बेल्ट से मूव होते हैं। और कंटेनर से इनर बॉक्स में तीलिया फिलिंग के बाद आगे जाकर मशीन की मदद से इनर बॉक्स को आउटर सेल बॉक्स में पुश किया जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। एक बार में करीब करीब 100 मैच बॉक्स भरे जाते हैं और इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से इकट्ठा किया जाता है। अब बारी आती है लैब टेस्टिंग की, जहां पर तैयार किए गए मैच बॉक्स में से रैंडम सैंपल को नो एयर बॉक्स में लगभग 8 घंटों तक रखा जाता है। और उसके बाद चेक किया जाता है कि माचिस की तीलियां ठीक तरह से जल रही है या नहीं। तैयार मैच बॉक्स की टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद अब बारी आती है पैकिंग की। जहां पर 10-10 मैच बॉक्स का एक ग्रुप बॉक्स बनाया जाता है और आगे 10-10 ग्रुप बॉक्स को एक साथ रैप किया जाता है और इन्हें एक बड़े से बॉक्स में पैकिंग किया जाता है और आगे इन्हें सेलिंग के लिए मार्केट में भेजा जाता है। अगर आपको भी अपने बिजनेस का ऐसा वीडियो बनाना है या प्रमोट करना हो तो मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। और अगर आपको कंपनी ब्रांड के प्रिंटिंग के साथ कस्टमाइजेबल मैच बॉक्स चाहिए तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।